गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू जी के टूडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12th of April के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। स्टैंड अप इंडिया स्कीम को फर्दर कितने सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सबसे पहले इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, किस लिए? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, जिससे कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हमारी इंक्रीज हो सके और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इन्हेंस हो सकें। तो अब इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2025, और 40,700 करोड़ रुपीज़ अब तक सैंक्शन हो चुके हैं अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम फॉर ओवर द 7 ईयर्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसमें से लगभग 80% ऑफ द लोन्स प्रोवाइड किए गए हैं वुमेन को। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम को पहली बार 2016 में लॉन्च किया गया था और अब इसको 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा आपने रीच आउट स्कीम के बारे में सुना होगा। इसका फुल फॉर्म क्या है? रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग आउटरीच प्रोग्राम। ठीक है, इसको लॉन्च किया था इंडियन गवर्नमेंट ने टू प्रमोट रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द कंट्री। और ये किसका इनिशिएटिव है? किस मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का। इसके अलावा हाल ही में जो चौथा फेज है हमारे सागर परिक्रमा का, ये कंक्लूड हो चुका है कर्नाटका स्टेट में कुछ दिनों पहले। और इसको किसने इम्प्लीमेंट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। इसके जो रेस्ट 3 फेजेस थे वो 2022 में लॉन्च किए गए थे। ये एक तरह का इनिशिएटिव है जिसके थ्रू सी वॉयज को ऑर्गेनाइज किया जाता है इन ऑल द कोस्टल स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, ताकि जो हमारे फिशरमैन हैं या फिश फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, चौथा फेज जो था सागर परिक्रमा का, हाल ही में इसको कंक्लूड किया गया है कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसने जारी करी है, आपको ये बताना है। तो ये रिपोर्ट हाल ही में इशू करी है IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इसके थ्रू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक अप्रोच को क्रेडिट किया जाएगा और फोकस रहेगा कि किस तरह से हम इनोवेशन को प्रमोट करें फॉर द सक्सेस ऑफ कंट्रीज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैंने बहुत बार बताया है कि रिपोर्ट के अंदर क्या है, ये कभी भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसकी है, तो IMF की है। अच्छा, कुछ दिनों पहले हमने एक और रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था, अभी जस्ट 2-3 दिन पहले। इसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक 2023 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को जारी किया था इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? अबू धाबी में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच एशियन कंट्री हैज़ बिन इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर अ 4-ईयर टर्म। इसमें से कौन सी एशियन कंट्री है जिसको इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन के स्टैटिस्टिकल कमीशन में अगले 4 सालों के लिए? सबसे पहले बात करते हैं इस कमीशन की। ये जो कमीशन है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है फॉर इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज़। जो भी आपको स्टैटिस्टिक्स वगैरह दिखती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, फॉर एग्जांपल कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ पे कौन सा रिलीजन ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें, तो उसमें जो डिसीजन लेती है वो है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन। और प्रेजेंट में इसका प्रेसिडेंट है जापान। ठीक है, लेकिन अब इंडिया को इलेक्ट किया गया है इस बॉडी में फॉर अ 4-ईयर टर्म, और हमारा टेन्योर स्टार्ट होगा फ्रॉम 1st of January 2024। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया। अच्छा, इंडिया के पास और कौन कौन सी प्रेसिडेंसी है प्रेजेंट में? सबसे पहले तो इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, सबको पता है, और हमने ये प्रेसिडेंसी ली थी 1st of December 2022 को। किस कंट्री से? इंडोनेशिया से। ठीक है, और कब तक हम प्रेसिडेंट रहेंगे इसके? 30th of November 2023। ठीक है, और थीम क्या है इस साल की G20 प्रेसिडेंसी के लिए हमारी? वन फैमिली वन फ्यूचर। ओके, इसके अलावा इंडिया के पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी है, और थीम है इस साल की फॉर अ सिक्योर SCO। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट हम रहेंगे अंटिल September 2023। थीम ज़रूर याद रखिएगा, थीम एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नेक्स्ट है, गाया मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी। गाया मिशन किस स्पेस एजेंसी से रिलेटेड है, आपको ये बताना है। तो ये प्रोजेक्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और इसके थ्रू जो मिल्की वे का फॉर्मेशन है उसको
अंडरस्टैंड किया जा रहा है और उसका प्रेजेंट में नेचर क्या है इसको भी स्टडी किया जा रहा है। तो इस मिशन के डेटा के मुताबिक जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है इन्होंने ब्लैक होल्स की एक पूरी नई फैमिली को डिस्कवर कर लिया है और ये जो ब्लैक होल्स पाए गए हैं ऐसा माना गया कि ये हमारे प्लैनेट अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट हैं। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि गाया मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। अच्छा, स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 70-80% है। हाल ही में किनको नॉमिनेट किया गया है एज द फर्स्ट वुमेन जो मून को सर्कल करेंगी, ये हैं क्रिस्टीना हेमॉक। ठीक है, क्रिस्टीना हेमॉक कोच, इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा हमने निसार के प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है, फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, और इसका एम है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को बिल्ड और लॉन्च करना जो कि इक्विप्ड होगा विथ डुअल फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, तो कौन सी दो कंट्रीज के बीच का ये प्रोजेक्ट है, आंसर हो जाएगा US और इंडिया। नेक्स्ट है, विच कंट्री लॉन्च्ड द ओवरसीज सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम, किस कंट्री ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये प्रोग्राम है जापान कंट्री का और हाल ही में इसको अनाउंस किया गया है। इसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी जापान के द्वारा उन फॉरेन नेशंस को जो कि काफ़ी पुअर हैं और इसकी वजह से उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो मजबूत हो जाएंगी। तो जापान ने ये बताया कि ये जो हेल्प ये दे रहे हैं ये लोन बेसिस पे नहीं है, ग्रांट के तरीके से दिया जा रहा है, तो जो भी पुअर नेशंस हैं सिर्फ उनको ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, वापस नहीं करेगा कोई पैसा, तो इस वजह से ये लोन सिर्फ पुअर कंट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत कर सकें। जापान के साथ एक कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इंडिया कंडक्ट करती है, ये है धर्मा गार्डियन। आपको कमेंट से बताना है कि कोवरेन एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच में होती है। नेक्स्ट है, ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल इज़ द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ विच कंट्री, ये किस कंट्री का हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये पोलैंड का हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है और हाल ही में इसको दिया गया है यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ठीक है, तो ज़ेलेंस्की को क्यों दिया गया है यह अवार्ड, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज मेरिट्स, जिसमें इन्होंने कोशिश की कि दोनों ही कंट्रीज़ पोलैंड और यूक्रेन के रिलेशंस मजबूत हो सकें, साथ ही इनकी जो स्टेट फास्टनेस है ह्यूमन राइट को डिफेंड करने में उसके लिए भी इनको ये दिया गया है। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा इस क्वेश्चन से, ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल किस कंट्री का हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है, तो ये कंट्री है पोलैंड, और किसको दिया गया इस साल, तो ये है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट अवार्ड की बात करें तो हाल ही में जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 है ये दिया गया है आलिया मीर को। ठीक है, आलिया मीर बिलोंग करती हैं कश्मीर से। फिर इसके बाद है 2023 का एबल प्राइज। सबसे पहले एबल प्राइज़ कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो इसको मैथमेटिक्स के फील्ड में प्रेजेंट किया जाता है और इस साल के विनर हैं लुइस कैफरेली। ठीक है, और पद्मा अवार्ड तो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, पद्मा अवार्ड इस साल कितने दिए गए हैं, 106, और इसका डिवीज़न किस तरह है, 6 इसमें पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। एक्चुअली ये डिसाइड हुआ है कि इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु और यहाँ पे एक प्रेशराइजर डिलीवर होगा फॉर रिएक्टर 5 ऑफ दिस पावर प्लांट बाय AEM टेक्नोलॉजीज इज़ोरा, जो कि पार्ट है मशीन बिल्डिंग डिवीज़न ऑफ रोजा टॉम का। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कुछ और इंडिया के अगर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को रिवाइज करें हम एज अ स्टैटिक जीके, तो इसमें फर्स्ट है ककरा पार, ककरा पार कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट है कल्पक्कम, कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तमिलनाडु में। फिर इसके बाद है नरोरा, नरोरा किसका है, उत्तर प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है कायगा, कायगा लाई करता है कर्नाटका स्टेट में। और एक लास्ट और कौन सा है, तारापुर, तारापुर है महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है टॉप स्कीम विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री, टॉप्स स्कीम जो आजकल न्यूज़ में है किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। सबसे पहले टॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम,
और इस स्कीम का पर्पस है टू आइडेंटिफाई, ग्रूम एंड प्रिपेयर पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर ओलंपिक मेडल। और किसने इसको इनिशिएट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने। तो इस मिशन का जो ओलंपिक सेल है, हाल ही में इसने अप्रूवल दिया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अंडर द स्कीम फॉर 12 पैरा बैडमिंटन प्लेयर्स जो कि पार्टिसिपेट करेंगे इन द अपकमिंग ब्राज़ील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में। ठीक है, तो दो बातें याद रखिएगा। टॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, और ये काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट है पारंबिकुलम टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे लाई करता है आपको ये बताना है। तो पारंबिकुलम टाइगर रिजर्व लाई करता है केरला स्टेट में इन द वेस्टर्न घाट। और हाल ही में जो केरला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच है उन्होंने ऑर्डर किया है कि वाइल्ड एलिफेंट जिसको लोकल बेसिस पे अरिकोम्पन कहते हैं इसको कैप्चर किया जाएगा, रेडियो कॉलर किया जाएगा और फिर ट्रांसलोकेट किया जाएगा इस प्रोटेक्टेड एरिया में। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो असम गवर्नमेंट को अप्रोच कर चुकी है जिससे टू प्रोक्योर अ सैटेलाइट रेडियो कॉलर जो कि अटैच रहेगा इस वाइल्ड एलिफेंट से इन इडुक्की, जिसके बाद इसको ट्रांसलोकेट किया जाएगा फ्रॉम इडुक्की टू पारंबिकुलम। ठीक है, तो बस याद रखिएगा पारंबिकुलम टाइगर रिजर्व इस वजह से न्यूज़ में है। और कहाँ पे है ये? तो केरला स्टेट में। कुछ और टाइगर रिजर्व्स एक बार रिवाइज करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है इसमें बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर है कर्नाटका स्टेट में। नेक्स्ट है कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व लाई करता है मध्य प्रदेश में। फिर नेक्स्ट है मानस, मानस कहाँ पे है? असम में। इसके बाद फिर नेक्स्ट है सिमलीपाल, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ओडिशा स्टेट में। फिर इसके बाद है नेक्स्ट पेरियार, पेरियार है केरला में। फिर नेक्स्ट है सरिस्का, सरिस्का टाइगर रिजर्व लाई करता है राजस्थान में। और फिर नेक्स्ट है नामदफा, नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आपको कमेंट्स में बताना है कि पन्ना टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में लाई करता है। सब लोग अपने जवाब कमेंट्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है हु इज़ द हेड ऑफ द कमिटी सेट अप बाय द अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री टू एग्जामिन स्टार्ट रियल स्टेट प्रोजेक्ट। तो अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक कमेटी सेटअप की थी टू एग्जामिन द स्टार्ट रियल स्टेट प्रोजेक्ट, और इसके हेड बनाए गए थे मिस्टर अमिताभ कांत। ठीक है, इसके थ्रू उन इश्यूज को एग्जामिन किया जाएगा जो कि रिलेटेड हैं टू द लेगेसी स्टार्ट रियल स्टेट प्रोजेक्ट इन द कंट्री, और किस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं इसके तरीके भी बताए जाएंगे इस कमेटी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमिताभ कांत। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की 40th प्रेसिडेंट नियुक्त हुई हैं सुधा शिव कुमार। ओके, नेक्स्ट है संजय जसजीत सिंह, ये नए वाइस चीफ बन चुके हैं नेवी के। ठीक है, और एक ब्रांड है स्टार स्पोर्ट, इन्होंने हाल ही में एक्टर रणवीर सिंह को अपॉइंट किया है एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है B-52H स्ट्रेटेजिक बॉम्बर वॉज रिसेंटली यूज इन द बाइलेटरल एयर ड्रिल्स बिटवीन विच कंट्रीज। ये बॉम्बर यूज किया गया है किन दो कंट्रीज के बीच बाइलेटरल एयर ड्रिल्स के दौरान। तो ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक जेट पावर्ड स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर है जो कि केपेबल है अपने साथ न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कैरी करने में, और हाल ही में इसका यूज किया गया ड्यूरिंग द बाइलेटरल एयर ड्रिल्स बिटवीन साउथ कोरिया एंड US। तो रिसेंट वीक्स में जो नॉर्थ कोरिया है इसने भी टेस्ट किया एक अंडर वाटर न्यूक्लियर केपेबल ड्रोन, साथ ही एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो याद रखिएगा इस बॉम्बर का यूज हुआ है बायलेट्रल एयर ड्रिल्स में बिटवीन साउथ कोरिया एंड US। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली रिसीव्ड द GI टैग फॉर इट्स फेमस वुड कार्विंग। कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है उसके फेमस वुड कार्विंग के लिए? तो ये है लद्दाख का वुड कार्विंग, और हाल ही में इसको GI टैग मिला है। इसके अलावा दिसंबर मंथ में लास्ट ईयर इसको GI टैग दिया गया था फॉर इट्स रक्से कार्पो एप्री कॉट। ठीक है, तो जो वुड कार्विंग है लद्दाख की ये एक वाइब्रेंट आर्ट फॉर्म है लद्दाख रीजन में इंक्लूडिंग द कैपिटल लेह एंड कारगिल। ठीक है, इसके अलावा हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा था कि एक पेंटिंग है जिसका नाम है बसोहली पेंटिंग, इसको भी GI टैग मिला है। और कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का है ये? आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में एक कथुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की है ये पेंटिंग, फाइन, और इसको भी हाल ही में GI टैग मिला है।
तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं फरवरी मंथ के, और ये पार्ट 12 रहेगा इस सीरीज में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 166 से लेकर क्वेश्चन नंबर 180 तक देखेंगे। फर्स्ट है, इंडियाज फर्स्ट रिंग मेट्रो कॉरिडोर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज इन 2024 इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। इंडिया का जो पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर है ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2024 में, कौन से स्टेट में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ये इंडिया का पहला रिंग मेट्रो कॉरिडोर है जो कि दिल्ली में ऑपरेशनलाइज होने वाला है, और इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 71.15 किलोमीटर्स, और टोटल 8 स्टेशन इसमें रहेंगे। फाइन, इसमें जो पैसेंजर्स हैं फ्रॉम फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, उनको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। द एम पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये जो एप्लीकेशन है हाल ही में इसको इंट्रोड्यूस किया है यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। एम क्या है इस एप्लीकेशन का, टू सिंप्लीफाई एंड हेजन द प्रोसेस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ पासपोर्ट इशुएंस। इसके थ्रू जो वेरिफिकेशन टाइम पहले 15 दिन लगता था वो अब 5 दिन और कम हो जाएगा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 24/7 साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने प्लान किया है कि वो 24/7 साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को स्टैब्लिश करेंगे, ताकि हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है वो सेफगार्ड हो सकें और उनकी ऑनलाइन सर्विसेज भी। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टर्मिनेटेड द ई माइग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम। आंसर हो जाएगा आयरलैंड। द गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड ने हाल ही में टर्मिनेट कर दिया है अपना ई माइग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम। क्या था इस इनिशिएटिव में, जो नॉन यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, अगर वहाँ के सिटीजन्स आयरलैंड की रेजिडेंसी चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 1 मिलियन यूरोस का इन्वेस्टमेंट करना होगा कंट्री के अंदर। ठीक है, लेकिन अब ऐसा लगा कि ऐसे इनिशिएटिव्स सिक्योरिटी रिस्क को हैम्पर करते हैं, और इसी वजह से आयरलैंड ने अब टर्मिनेट कर दिया है इनके इस प्रोग्राम को। वॉट परसेंट ऑफ इंडियाज कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट हैज़ बीन ईयरमार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया है कि 75% ऑफ द डिफेंस कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट ईयरमार्क किया गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए इन 2023-24। नेक्स्ट है, हार्बिंजर 2023 इज द ग्लोबल हैकेथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। तो ये इनिशिएटिव है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और इस साल के लिए थीम क्या थी, इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। लक्ष्मी भंडार इज अ स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो लक्ष्मी भंडार स्कीम ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की है, और अपने बजट में इस साल के इन्होंने और ज़्यादा इसको वाइडन किया हुआ है कुछ और इसमें बेनिफिट ऐड करते हुए। इंडिया अग्रीड टू कोलाबरेट ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विच कंट्री। यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पेन। तो इंडिया और स्पेन ने कोलाबरेट किया है ऑन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच इंस्टीट्यूशन इज सेट टू प्रोवाइड मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल सपोर्ट फॉर MQ-9B ड्रोन इंजन्स इन इंडिया। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अनाउंस किया है कि वो मेंटेनेंस और ओवरहॉल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे MQ-9B ड्रोन इंजन्स के लिए इंडिया के अंदर। अर्शदीप सिंह एंड प्रियंका गोस्वामी हु वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्ले विज स्पोर्ट। ये एसोसिएटेड हैं किस स्पोर्ट से, रेस वॉकिंग से। और किस वजह से न्यूज़ में थे, क्योंकि हाल ही में इन्होंने जीता है नेशनल रेस वॉकिंग चैम्पियनशिप 2023 कहाँ पे, झारखंड में। ठीक है, इसके लिए वेन्यू था झारखंड स्टेट। नेक्स्ट है, विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो। इसके लिए होस्ट है कोलकाता। ठीक है, इसके थ्रू एम क्या है, जो सी फूड एक्सपोर्ट है हमारा वो हम डबल करेंगे बाय 2025। एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन इज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री। अभी पीछे बात करी थी धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया और जापान, और इस साल के लिए वेन्यू भी जापान रखा गया है। इंडियन रेलवेज लॉन्चेज रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस अलॉन्ग विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो इंडियन रेलवे ने इसको लॉन्च किया है ताकि लॉजिस्टिक्स को प्रोवाइड किया जाए फॉर सर्विसेज सेक्टर इन द कंट्री, और इसको लॉन्च किया गया है अलॉन्ग विथ इंडिया पोस्ट। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट। इसके लिए होस्ट है नई दिल्ली। ओके, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ को शोकेस किया जाएगा इन द टूरिज्म
एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. डेविड मेलपास इज़ द हेड ऑफ विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? तो ये हेड हैं वर्ल्ड बैंक के, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में. ठीक है, तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए, और कल हम यहीं से कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे. 181 से लेके क्वेश्चन नंबर 195 तक कवर करेंगे, और बहुत जल्द हमारा फरवरी भी इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा. फरवरी के बाद हम चलेंगे मार्च मंथ के पास. ठीक है, तो अब तक हमने कौन कौन से मंथ देख लिया है रिवीजन के तौर पे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी फिनिश होने वाला है, और फिर हम मार्च स्टार्ट करेंगे. तो आई थिंक नवंबर से पहले का आपके एग्जाम में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब 6 मंथ ऑलरेडी हो चुके हैं, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है. तो अगर आप इतने मंथ कवर करके जा रहे हैं तो 90-95% आराम से आप कर लेंगे करंट अफेयर्स में. तो इसी को बस रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और मॉक टेस्ट देने की कोशिश किया करिए. हर मॉक टेस्ट में देखा करिए कि आप कितना इंप्रूव हो रहे हैं, या अगर घट रहे हैं तो क्या रीज़न है, क्यों मार्क्स कम हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा एनालाइज किया करिए. ठीक है, तो चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं. ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है, या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी, और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ.